नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली बचाओ मंच ने कैलाशपुरी में एक मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली बचाओ मंच ने कैलाशपुरी के नसीपुर रोड पर एक मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया। आरएसएम क्लिनिक, तेजमुनि हॉस्पिटल और एटीएस कंसल्टेंट्स के सहयोग से आयोजित इस कैंप में बीपी, शुगर, वजन, ईसीजी की जांच के साथ साथ फिजियोथेरेपी की गई। दिल्ली बचाओ मंच के सदस्यों ने कहा कि हमारा मकसद लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर हेल्थ कैंप लगाया गया है। आज हम कैलाशपुरी में मौजूद हैं और यहाँ एक मेगा कैंप लगाया गया है, जिसमें बीपी, शुगर, वजन और तमाम जांचें हो रही हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन है, फिजियोथेरेपी की तमाम जांचें हो रही हैं। और ये जो पूरा मेगा कैंप लगाया है, दिल्ली बचाओ मंच ने लगाया है, और इस मंच के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। राज सोलंकी जी, आपने ये जो विशाल कैंप लगाया है जिसमें तमाम जाँचें हो रही हैं, क्या उद्देश्य है ये कैंप लगाने का? सबसे पहले प्रवीण जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है इस कैंप में आए और इसको आप आगे भी दिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि भाई दवाइयों से जैसे कोई बीमारी किसी व्यक्ति को होती है तो दवाई बेचारा एक लेगा, वो तो उस दवाई के साथ जो है दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो कोशिश ये होगी हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो नेचुरल तरीके से करें, इस तरह के भाव से हम लोगों ने ये कैंप लगाया है, इसको ज़्यादा बेहतर है। आपको बता दें, पालम द्वारका में हर साल हज़ारों कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो सुविधा है ये पहली बार आज यहाँ दी जा रही है। और कितने लोग अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं और कितना आपने लक्ष्य रखा हुआ है, कितने लोगों की जाँच करनी है? हमारा प्रवीण भाई, यहाँ पे शुरू में 50 लोगों का टारगेट था कि 50 लोग हमारे, उनके नाम हमने लिख लिए थे पहले ही तो, लेकिन जब वो उनके जो इलाज में जब इजाफा हुआ, उनको जैसे चलने में दिक्कत थी, मूवमेंट में दिक्कत थी, तो जब उनको रिजल्ट मिलने लगे तो उससे लोग और भी जागरूक हुए और हमने भी लोगों को फ़ोन कर करके उनको बुलाया। भी हमें यार ऐसा लग रहा था कि शायद इससे ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक प्रयास होता है कि क्षेत्र में कुछ नया करने का। चूँकि राजपाल जी से हमारा संपर्क करीब 3-4 साल पहले हुआ था और रेगुलर पहले मैंने अपनी वाइफ को ट्रीट करवाया, उनका जो है हाथ उठता नहीं था और पहली सीटिंग में उनका हाथ मतलब पूरा सराउंडेड होने लग गया। तो उसके बाद मुझे लगा कि इसका लाभ मेरे क्षेत्र की जनता को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आज कोई भी कंपनी ले लो, मेडिसिन कंपनी ले लो, आयुर्वेदा ले लो, होम्योपैथी ले लो, कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, जाओगे देखेगा और आपको ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन ले रहा है और 3 महीने तक इलाज करेगा। राजपाल जी के पास आएंगे तो आपको 1 सीटिंग 2 सीटिंग आपको दवाई नहीं खानी, केवल उसके बाद आप रिलीफ खाएंगे। अच्छा, वहाँ पर इनकी फैसिलिटी इतनी बढ़िया है, आपको फर्दर मतलब पहले ट्रीटमेंट से पहले आपसे इलाज पूछेंगे और लाइफ पूछेंगे कि क्या है, और ट्रीटमेंट के बाद फिर आपको रिलीफ पूछेंगे। लोग किताबों में बात करते हैं, ये ऑथेंटिक कहते हैं, भैया आप जो है साफ बताओ। तो मैं ये नहीं कहता कि एक बार में सबको 100% मिल जाता है, लेकिन एक बार में 80% मिलता है, इसका तो गारंटी है। दिल्ली बचाओ मंच की अगर हम बात करें तो ये कैंप तो लगाया है, सीधा लाभ लोगों को पहुँच रहा है, इसके अलावा और क्या कुछ कार्य करता है दिल्ली बचाओ? देखिए, दिल्ली बचाओ का जो मंच का मेन उद्देश्य है, समस्या से समाधान तक। हम लोग समस्या चाहे कोई भी हो, जो भी फिजिकली संभव है, उस समस्या का निवारण करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, उसका हम निवारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। और चूँकि हमारा क्षेत्र में आजकल हम देखते हैं पार्क में कोई जा रहा है योगा कर रहा है या कोई कह रहा है घुटनों में दर्द है, जब हम लोग क्षेत्र का दौरा किया हमने कहा ये ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो देश हेल्दी रहेगा, और देश हेल्दी रहेगा, व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो रोजगार भी कर पाएगा, काम धंधा कर पाएगा, अगर व्यक्ति घुटनों से दर्द से परेशान है तो काम क्या करेगा। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपके चैनल का प्रवीण जी, जो आपने इसकी कवरेज करी। ये बहुत एक जागरूकता के लिए एक कैंप जो लगाया जाता है, हमेशा स्वास्थ्य जागरूकता के लिए लगाया जाता है, जिन लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं आज की टाइम में भी जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि थेरेपी क्या चीज़ है, जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं उनको सलाह नहीं मिलती है थेरेपी की। अमूमन जो ये दिल्ली बचाओ मंच राज सोलंकी जी और सुधाकर भारती जी के माध्यम से राजपाल सोलंकी मेथड की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, करीब हम 100 से ऊपर पेशेंट इसमें अभी तक देख चुके हैं और उनको लाभ भी मिल रहा है। और इनका ये दावा है
कि बहुत से पेशेंट को एक बार से आराम मिल जाता है। किसी भी प्रकार का आपके जोड़ों का दर्द हो तो वो थेरेपी से जाता है, दवाइयों का असर बहुत कम होता है। तो थेरेपी की आज की डेट में हमारे क्षेत्रवासियों को और देश के लोगों को बहुत ज़रूरत है। और राजपाल सोलंकी जो हैं आउट ऑफ इंडिया से इन्होंने इस चीज़ का कोर्स किया है, काफ़ी अनुभवी हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि जो भी लोग यहाँ से इलाज करा के जाएंगे तो उसमें से कुछ लोगों को आज ही आराम मिल जाएगा, और कुछ लोगों के लिए जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं उन लोगों के लिए इनका बुराड़ी के अंदर जो है कैंप इनका क्लिनिक है, वो लोग वहाँ जाके दो चार ट्रीटमेंट और ले सकते हैं, तो उनसे मतलब फ़ायदा होगा। हमारी अपेक्षा यदि हमारे यहाँ पेशेंट बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो कैंप लगाते हैं, कैंप के लिए सेवा देते हैं, सेवा का जो रिजल्ट आता है वो हमारे पेशेंट होते हैं। पेशेंट अपना अनुभव बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारी जगह पर। आरएसएम की बात करें तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ क्या कुछ सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं कैंप में? आरएसएम की आप बात करेंगे तो स्पेशल में है आपका स्पाइन, स्पाइन से हम सारा कुछ आपकी सेटिंग करके, जैसे सर्वाइकल है या आपको माइग्रेन है, नौजवान माताएं बहनें होती हैं, जो हमारी बहन है नौजवान जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, दवाई खाएंगे अनबैलेंस महामारी जिसे कहते हैं पीरियड की प्रॉब्लम, वो भी एक ही सेटिंग से ठीक हो जाती है, सिर्फ एक बार थेरेपी लेंगे और छुट्टी। माइग्रेन किसी को है और 10 साल से कोई टैबलेट खाता है या 20 साल से टैबलेट खाता है और कहा जाएगा परमानेंट आप टैबलेट खाएंगे, अरे भाई एक दो बार आ जाओ हमारे पास छुट्टी, एक दो बार आप आइएगा ट्रीटमेंट करिएगा, दवाई देते नहीं, दवाई कोई आप खाते हैं तो उसके लिए मना भी नहीं करते और ना ही हम अपने पास से कोई रिकमेंड करते हैं कि आप दवाई लेंगे या नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे पास दवाई का कोई शब्द नहीं। रही बात सेल्फ टेस्ट की, आज के टाइम देखेंगे हर चौथा व्यक्ति सेल्फ टेस्ट से परेशान है, स्पाइन की प्रॉब्लम, सेल्फ टेस्ट किसी भी एंकल में किसी भी तरह की है। आपको 2 mm भी स्पेस बचा है ना, एक बार राजपाल सोलंकी RSM राजपाल सोलंकी मेथड एक बार आप आके आ जाओ वहाँ पर, एक बार जरूर दिखाइएगा। इस कैंप का लगभग 250 लोगों ने लाभ उठाया और लोगों ने कहा कि ऐसे कैंप समय समय पर लगते रहने चाहिए क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है बीमारियां भी शरीर के अंदर पैदा हो रही हैं, इस बीच लंबी कतारों में लगना बेहद मुश्किल होता है, लिहाजा लोग चाहते हैं कि ऐसे कैंप समय समय पर लगाए जाएं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैंप में पहुंचे तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा। साधना हॉस्पिटल पालम में स्थित, जहां उपलब्ध है 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, ICU, ऑपरेशन थिएटर, खून व पेशाब जांच की सुविधा, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, डॉक्टर अशोक गौड़ द्वारा संचालित 50 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध हैं चाइल्ड केयर और प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीक से परिपूर्ण एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर सभी प्रकार के कैशलेस और इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता है NZA 635 राजनगर Part 1 मेन पालम रोड न्यू दिल्ली 110045। फोन नंबर है 0114932-3811 और 9310815643। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कैंप में जांच कराने पहुंचे लोगों ने क्या कुछ कहा। RSM की टीम ने सैकड़ों लोगों की मुफ्त में फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी के जरिए कई लोगों के वर्षों पुराने दर्द को मिनटों के अंदर छूमंतर कर दिया गया। कैसा अनुभव रहा है? अभी हम देख भी रहे थे आपकी जो है। मेरे को 4-5 साल से बैक में पेन था, दवाई 4-5 साल से रेगुलर चल रही है, रेगुलर दवाई चल रही है। उसका रहा कुछ आराम हुआ? ऐसा लगा कि जैसे दर्द नहीं है। अब कितने समय के लिए नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो फिलहाल है ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को कोई पेन ही नहीं है, न मेरे को तकलीफ थी कभी। एक तो दवाइयों का दवाई खाता था उसका साइड इफेक्ट मेरे चल रहे थे उससे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कैंप में जांच कराने पहुंचे लोगों ने क्या कुछ कहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया Times 24 News। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।